69 है एंड वाइपर भी वहां पे टीवी पे ले रहे हैं। टीम 69 यहां पे सोल से फाइट लेते हुए, वाइपर अभी भी यहां पे स्पॉटेड नहीं है। रौनक वहां पे प्रोन डाउन है विद यूएमपी, इनके पास अभी मेरी गल से कोई गन नहीं है। रौनक को यहां पे थोड़ा सा टैग करा था, आरआर क्यों जीना यहां पे मीनवाइल भेजा इन्हें नॉकडाउन कर रहे, पर यहां पे 69 और टीम सोल काफी करीब है। टीम सोल के पास पूरी पोजीशन रीडिंग कर चुके हैं उन्होंने 69 के, एंड यहां पे देखिए ईएलजी जोन के बाहर टीम यूनिक को नॉक कर रहा है। तो यूनिक आरआर क्यू और ईएलजी के बीच में एक फाइट होते हुए, यूनिक ने पीछे से आरआर क्यू के लिए थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। डी टू वी जी नाइन और वो बचे हैं अभी फिलहाल, एंड यहाँ देख रहे हैं ईएलजी के ब्रॉन्चो लीडर ने मिलकर यूनिक, बट यहाँ पे रौनक ने यहाँ पे टीम 69 के एक प्लेयर को नॉकडाउन करा है। देखते हैं यहाँ पे रश देखने को मिलेगा, वाइपर यहाँ पे स्पॉटेड है पीछे से, बेज ने यहाँ पे सिंगल टैप देना शुरू करे एंड वाइपर की यहाँ पे ओके, यहाँ पे वाइपर नॉक होते हुए सिंगल टैप, वाइपर गॉट फिनिश्ड वहाँ पे स्प्रे करा था उसने एंड टीम सोल इज द टू मैन स्क्वाड। अब देखना है यहाँ पे आरआर क्यू की फाइट दिख रही है आपको, ईएलजी लीडर यहाँ पे डी टू ई के ऊपर स्प्रे आता हुआ और शायद वहाँ पे स्प्रे करते हो तो डी टू, बिल्कुल सही बात है। आरआर क्यू यहाँ पे बहुत ही तकलीफ में दिखते हुए क्योंकि आरआर क्यू जोन के बाहर है, उनको अंदर आना है, ईएलजी जोन के अंदर उनका वेट कर रहे हैं। दो बहुत ही अच्छे टीम साउथ ईस्ट एशिया चैंपियंस और चाइना चैंपियंस के बीच में फेस ऑफ होते हुए ईएलजी का लीडर क्यूबीजी और लेवल 3 और काफी सही इक्विपमेंट के साथ फाइट लेने की कोशिश करेंगे। आरआर क्यू के लिए यहाँ से बच के निकलना बहुत ही टफ है, यहाँ आरआर क्यू सीनियर नॉक होते हुए ईएलजी के एक नेट से 4v2 का सिचुएशन हो गया। आरआर क्यू सीम्स टू बी इन ट्रबल, जो हमें दिख रहा है फीड में कि टीक्यू का एक्सेल नॉक हो रहा है, ईएलजी का बेजाई होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। डीटीयू हमें राइट में दिख रहा है जो थोड़ा फ्लैंक करने का कोशिश करेगा, पर अर्नी यहां पे अकेला फंस गया है। बट कल अर्नी ने 1v3 किया था ईएलजी को, सेम टाइम यहां पे अगर ये इस वाले सिचुएशन से अगर कोई निकाल सकता है, यहां पे अर्नी गॉट नॉक डाउन, सिर्फ डीटीयू अकेला बचा हुआ है एंड ये 1v4 फाइट है, ईएलजी यहां पे घुसने ही नहीं दिया, दम तोड़ के मारा यहां पे आरआर क्यू का। सही बात है, यहां पे आप लोगों को देखने को सोल रौनक ने 69 के लिए प्रॉब्लम किया, टीम 69 एलिमिनेट हो चुकी है। जब एट द सेम टाइम सिर्फ यहाँ पे रौनक एंड ओवेस बचे हुए पूरे मैप को यहाँ पे कैरी ऑन करने के लिए टीम सोल के लिए, एंड यहाँ पे इलीट गेमिंग ने जो गेम प्ले दिखाया है, आरआर क्यू डी टू अकेला बचा है, अब ये लोग चारों प्लेयर भी सामने से जाते हैं तो डी टू यहाँ पे कुछ कर नहीं तो पाएगा। बात है यहाँ आरआर यहाँ पे एलीट गेमिंग इन डिस्गाइज एक्सक्यूएफ के लिए बहुत अच्छा एडवांटेज क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सक्यूएफ की ऑलरेडी 23 से 24 पॉइंट्स की लीड थी, अब उन लोग के पास ऊपर जाए और एक्सटेंड करने का बहुत ही अच्छा चांस है। नोवा जो कि 3 मैन है अभी रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सामने उनके लिए बीटीआर और टेस्ट की टीम वेट कर रही है। ओके, तो यहाँ पे आरआर क्यू यहाँ पे लीडर बोर्ड में बहुत दिक्कत होने वाली उन लोगों को, बिकॉज नीचे की जो टीम है एलीट गेमिंग ने पॉइंट्स उठाए, टीएस के प्लेयर्स यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिवली गेम खेल रहे हैं, एआरजी का प्लेयर वहाँ पे टू व्हीलर लेके निकला है, नोवा का जावी यहाँ पे स्पॉट कर चुका है उन लोगों को, एआरजी सारा को एंड कैंडी को, और देखते हैं यहाँ पे जोन कैसे मूव करता है, 6 फेज बनने वाला है। और बिल्कुल सही बात है, यहाँ हमने देखा कि सोल ने फाइनली आज फर्स्ट ही गेम में कुछ किल्स निकाले अपने टीम के लिए, जो बहुत ही बड़ी बात है। एंड यहाँ आप देख सकते हो बीटीआर का जक्सी, वहाँ पे यूनिक ओल्ड बॉय ने सोलो वेस को नॉक किया, सोल अब दिक्कत में, रौनक अकेला बचा है, यहाँ पे उनका पिकअप होने का हाई प्रोबेबिलिटी रहता है एंड ओवेस यहाँ पे फिनिश होते हुए सोल एलिमिनेट होते हुए 12वें पोजीशन में। एंड यहाँ फाइट हम आगे बात करते हैं बीटीआर वर्सेस नोवा की, तो बीटीआर लक्ष्य ने यहाँ पे नोवा को पिक ऑफ किया, नोवा के लास्ट 3 बंदे बचे थे, अब दो ही बचे, टीम सोल एलिमिनेट हमें आ गया स्क्रीन पे दिखते हुए। बीटीआर के यहाँ पे दो दो में स्प्लिट दिख रहे हैं एंड मेरे ख्याल से ईएलजी को पूरा स्क्वाड को यहाँ पे जोन में आ रहे हैं, और मिनी मैप में आप देख सकते हो बीटीआर यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है टीम ईएलजी को एंड मिंक के ऊपर यहाँ पे स्प्रे हो रहा है, लीडर यहाँ पे शायद नॉकडाउन हो सकता है, हिज 1 HP यहाँ पे देख चुका है कि पीछे एसजेडबी का प्लेयर था, और यहाँ पे नीचे से बीटीआर जक्सी उस कंपाउंड के नीचे थोड़ा बहुत जो स्पेस रहता है वहां से स्प्रे ट्रांसफर कर रहे हैं। सही बात है, आज बीटीआर खुद को जिस तरीके से होल्ड कर रहा है, आरआर क्यू अधीना यहाँ एलिमिनेट होते हुए 9 पोजीशन में, जो एक्सक्यूएफ और ईएलजी के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज क्रिएट करता है। एसजेडबी का नाउटो बाहर में रह के हिल बैटल करने की कोशिश कर रहे हैं, 8 टीम अभी बचे हैं, टीएस व्हाइटकेट ने एक्सक्यूएफ फुल बॉय को स्पॉट कर चुके हैं। क्या आज हमें चेंज की, वो जो हम चेंज की बात करते हैं कि टीम्स फटाफट सेकंड डे में नए टीम्स आगे देखने को मिलते हैं, क्या हमें वो देखना मिलेगा क्योंकि कूल बॉय भी या कूल वो हो चुका है, पिकअप हो चुका है, तो एक्सक्यूएफ मेरे हिसाब से एलिमिनेट हो चुकी है एंड यस एक्सक्यूएफ एलिमिनेटेड एट 7 स्पॉट। एंड अब यहां पे आप लोगों को लीडर बोर्ड में जो टॉप जो टीम्स थी वो आप यहाँ पे बहुत जल्दी एलिमिनेट हो चुके हैं, अब नीचे की टीम जैसे बीटीआर पे हम लोगों ने बोला था कि इस बार वो लोग कुछ करके दिखाएंगे एंड वो अब फॉर श्योर मूव करेंगे ऊपर 5th-6 पोजीशन। सही बात है, टीम यूनिक का बाउंस बैक देखिए क्या अग्रेशन दिखा रहे हैं, काफी बार मुझे आज टीम यूनिक दूसरे बंदों को मारते हुए दिख रहे थे किल फीड में, बीटीआर यहाँ पे 7 स्पॉट से बाउंस बैक करना चाहेंगे टॉप 3 में, क्योंकि अब ये गेम उनके हाथ में हो सकता है, पर ईएलजी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस 9 किल्स के साथ, बीटीआर यहाँ पे ट्रबल में, बीटीआर नेटिक ऑलरेडी नॉक्ड आउट है, बट मेन चीज यहाँ पे ईएलजी का एक प्लेयर नॉकडाउन है, ओके दो प्लेयर नॉकडाउन है यहाँ पे एंड बीटीआर जक्सी यहाँ पे एक ग्रेनेड ट्राई कर रहा है, मिंग है वहाँ पे, सबसे बड़ी बात है बीटीआर के पास यहाँ पे जोन एडवांटेज है, मतलब उनको रोटेशन काटने का मौका मिलेगा ईएलजी का एंड मिंग यहाँ पे हिल बैटल करने की कोशिश करेगी, नेड आते यहाँ पे नॉकडाउन उस प्ले जोन के डैमेज जो कि बहुत ज्यादा है, एक अकेला प्लेयर बचा हुआ ईएलजी का प्रॉन्चो एंड वो भी जोन डैमेज से मर जाएगा, बीटीआर के भी दो प्लेयर यहाँ पे नॉकडाउन है जक्सी और लक्सी एंड यहाँ पे मेरे ख्याल से बीटीआर पूरी की पूरी फिनिश होती हुई एंड टीएस के प्लेयर्स यहाँ पे थोड़े से ज्यादा एग्रेसिवली खेल रहे हैं, उनके 6 किल्स भी हैं अभी, जीसीबी यहाँ पे हम लोग
को दिख रही है कि तीन प्लेयर्स हमारी फ्रेम में है एंड जीसीबी फिर से हम लोगों को दिख मतलब रही है। इससे मुझे ये पता चला टीएस और ईएलजी पॉइंट्स टेबल में काफी हलचल लाने वाले हैं। टॉप थ्री में टेस्ट पहुंच चुका है, ईएलजी टॉप टू में पहुंच चुका है। ईएलजी वर्सेस टेस्ट होने फिनिश हो गया, ईएलजी फिनिश हो चुका है, अब ईएलजी फिनिश होते हुए तो मतलब टेस्ट वर्सेस जीसीबी। अगर टेस्ट यहाँ पे चिकन डिनर निकालते हैं वापस 2v3 वाले सिचुएशन है, तो कल हमने टेस्ट का देखा था बहुत पैसिव खेलना चाह रहे थे जब वो 4v2 सिचुएशन में थे। आज उनके अगेंस्ट ऑड्स है, तीन बंदे जीसीबी के बचे हैं। जीसीबी का हम बात कर रहे थे कि उनका गेम अबव एवरेज रहा पर यहाँ उन लोग वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस यहाँ पे जीसीबी हो या जेसीबी हो सारी चीजें खोद के निकाले हैं। सिमिलरली गोज विद जीसीबी रोज ऑल्सो, उसने व्हाइट कैट को यहाँ पे नॉट डाउन करा है, जस्टिस यहाँ पे पुश कर रहा है, ईएस को यहाँ पे जोन का डैमेज मिलते हुए पूरा इन लोगों ने ये डोमिनेट करके दिखाया है। इन लोगों ने दिखाया भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो कल्चर है वो कोई छोटे मोटे लेवल तक नहीं है जीसीबी।